ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच गई है। जी हाँ बिल्कुल, आपदा के बाद लगभग 2-3 महीने हमारे यहाँ बहुत टूरिस्ट का लगभग ना के बराबर था, जीरो हो गया था। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और हम खुद भी इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ के हैं या जो बड़ी पहुंच रखते हैं या जिनको सोशल मीडिया में काफ़ी नाम है उनके माध्यम से भी हम प्रचार कर रहे हैं कि शिमला आएँ। शिमला एक हम बहुत बढ़िया स्थल है और इंटरनेशनल मैप पे शिमला का नाम है, पहाड़ों की रानी इसे कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 70% ऑक्यूपेशन आ गई है शिमला में और आने वाले दिनों में जैसे छुट्टियां आ रही हैं उसके बाद और आएगी, मैं ऐसा विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास आप बताएंगे। और शिमला मेरी फेवरेट लोकेशन रही है, तो काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं जस्ट शिमला विजिट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आई थिंक ट्रेन नहीं चल रही है अभी, उसके कारण थोड़ा सा चैलेंज लगता है, बट ट्रेन भी शुरू होने वाली है। मैंने स्टेशन में भी बात की थी, शायद इस वीक से ट्रेन शुरू कर देंगे। सो उसके बाद ट्रायल चल रहा है। हाँ, ट्रायल चल रहा है। सो ट्रेन जर्नी का एक अलग एंथुजियाज़म है, एक अलग चार्म है। और अदरवाइज तो फिर टैक्सी से आना पड़ा, बट शिमला आई थिंक इट्स ऑल गेटिंग टू नॉर्मलसी और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारे कारोबार में तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन है कि जो बाहर से जैसे लोग चंडीगढ़ से गाड़ी बुक करते थे, दिल्ली से बुक करते थे, उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजकल थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो गाड़ियाँ चंडीगढ़ जाती है पिकअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अर्निंग तो टैक्स बढ़ेंगे तो हिमाचल गवर्नमेंट का फायदा होगा हमारा।